गुड मॉर्निंग 11th क्लास प्रश्नावली 7.4 क्वेश्चन नंबर 5। 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। इसमें क्या कहा है आपसे, लाल रंग की कुल गेंदें कितनी है? 6। तो आप सबसे पहले जब स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लाल रंग की कुल गेंद बराबर 6, ऐसी दूसरा लिखोगे सफेद रंग की कुल गेंद बराबर 5, नीले रंग की कुल गेंद बराबर 5, फिर आप लिखेंगे कुल नौ गेंदें चुननी है जिनमें प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए। आपसे प्रश्न में कहा है ना कि कुल 9 गेंदें तो आपने चुननी है और उसमें से हर कलर की 3 गेंदें होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लाल रंग की कुल गेंद 6, सफेद रंग की कुल गेंद 5 और नीले रंग की कुल गेंद बराबर 5। क्योंकि कुल 9 गेंदें चुननी है जिनमें प्रत्येक रंग की 3-3 गेंदें होनी चाहिए, तो इसलिए 3 लाल रंग की गेंद चुनने के तरीके। अगला आप लिखोगे 3 लाल रंग की गेंद चुनने के तरीके। लाल रंग की कुल कितनी गेंदें हैं? 6, उसमें से कितने चुनने हैं? 3, कोई भी 3 ले सकते हो, तो 63। ऐसे ही अगला होगा 3 सफेद रंग की गेंद चुनने के तरीके, टोटल कितनी गेंदें हैं सफेद से? 5 में से 3 चुननी है, 5c3। ऐसी नीले रंग की 3 नीले रंग की गेंद चुनने के तरीके हो गए 5c3। तो इसलिए कुल 9 गेंदों को चुनने के तरीके क्या हो जाएगा, इन तीनों का आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 6c3 × 5c3 × 5c3। कल फॉर्मूला बताया था एनसीआर का, एनसीआर इक्वल टू होता है क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तीनों में अप्लाई करोगे और उसको सॉल्व करोगे। इसी में फिर आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। देखिए कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। उनमें से हमने कितने पत्ते चुनने हैं? 5 पत्ते चुनने हैं, राइट? 5 पत्ते चुनने, जिनमें से भी उसने कह रखा है एक हमारा क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। एक किसका पत्ता होना चाहिए? इक्के का। इसके अलावा अन्य 3 कोई भी हो सकते हैं, अन्य 3 कोई भी पत्ते हो सकते हैं। तो आपको जैसे पता है 52 तास की गड्डी में टोटल इक्के के कितने पत्ते होते हैं? 4। 52 पत्तों की गड्डी में टोटल इक्के के पत्ते कितने होते हैं? 4। तो बचे कितने शेष? 52 से 4 घटा दीजिए, कितने बचेंगे आपके? 48। अब इस 4 में से हमने एक इक्का चुनना है तो कितना हो जाएगा? 4c1। और अन्य 48 में से कितने पत्ते चुनने हैं? 48c3। दोनों को क्या कर दोगे? इनटू। आया समझ में कि इसने कहा था एक ताश की गड्डी है जिसमें आपको पता है टोटल 52 पत्ते होते हैं, उनमें से हमने कोई भी 5 चुनने हैं, लेकिन उन 5 पत्तों की गड्डी में भी एक ऐसी कंडीशन है कि एक इक्का होना जरूरी है, उसके अतिरिक्त 4 कोई भी हो सकते हैं, 4 अन्य पत्ते होंगे तो 3 इक्के होने, एक इक्का होना जरूरी है, उसके अतिरिक्त 4 अन्य पत्ते होंगे। तो हमने कहा कि 52 पत्ते की गड्डी थी, उनमें से आपको पता है इक्के 4 होते हैं, ठीक है, टोटल पत्ते इक्के के कितने होते हैं? 4। तो बचे कितने? 48। तो हमने 4 इक्के में से एक को चुनना है तो 4c1, और बचे 4 तो 48c4। तो इसको लिखेंगे कैसे, गड्डी में पत्तों की संख्या बराबर 52। इसमें से ध्यान से सुन लीजिएगा, गड्डी में पत्तों की संख्या बराबर 52, इक्कों की कुल संख्या बराबर 4, शेष पत्ते बराबर 52 − 4 = 48। गड्डी में पत्तों की संख्या बराबर 52, इक्कों की संख्या बराबर 4, शेष पत्ते बराबर 52 − 4 = 48। क्योंकि अब आप लिखेंगे क्योंकि 5 पत्तों को लेकर संचय बनाना है जिसमें तथ्यतः एक पत्ता इक्का है। क्योंकि 5 पत्तों को लेकर संचय बनाना है जिसमें तथ्यतः एक पत्ता इक्का है, इसलिए 5 पत्तों वाले
कुल संग्रह, इसलिए पांच पत्तों वाले कुल संग्रह बराबर हो जाएगा 4C1 × 48C4। पांच संग्रह पत्तों वाले कुल संग्रह बराबर 4C1 × 48C4। अब इसी में 7th क्वेश्चन, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें से प्रत्येक केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन करने कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। जैसा कि अभी मैंने अभी आपको पत्तों वाला सिखाया था, वैसा ही सेम यहाँ पर है। आपके पास कुल खिलाड़ी कितने हैं? 11, 17, उसमें से हमने कितने चुनने हैं? 11, उनमें से भी चुनने हैं तो उसमें भी हमने कैसे चुनना है? 11 खिलाड़ी चुनने, तो 4 गेंदबाज चुनने हैं। 4 गेंदबाज, तो बचे कितने आपके? 7, 7 अन्य हो जाएंगे। हमने 11 में भी 4 गेंदबाज चुनने और 7 क्या हो गए आपके? अन्य हो गए। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए आपके पास कुल, अब इसमें क्या लिखोगे? कुल खिलाड़ियों की संख्या जिसमें 5 गेंदबाज है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। ठीक है, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या जिसमें 5 गेंदबाज हैं बराबर कितना हो जाएगा? 17। कुल खिलाड़ियों की संख्या जिनमें 5 गेंदबाज हैं बराबर 17। शेष खिलाड़ी, शेष खिलाड़ियों की संख्या क्या हो जाएगी? शेष खिलाड़ियों की संख्या टोटल हमारे पास 17 हैं, उसमें से 5 गेंदबाज हैं तो बचे कितने? 12। तो अब हमने क्या करना है? हमने 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, तो आप लिखेंगे क्योंकि 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है जिसमें 4 गेंदबाज हैं। क्योंकि 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है जिसमें 4 गेंदबाज हैं, तो इसलिए 5 गेंदबाजों से 4 गेंदबाज चुनने के तरीके क्या हो जाएगा? टोटल 5 हैं, उनमें से 4 चुनने हैं, 5C4। अब शेष खिलाड़ी कितने हो गए आपके? 12। 12 खिलाड़ियों से हमने चुनने कितने हैं? 7 खिलाड़ी। चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 12C7। तो टोटल 11 फिर लिखेंगे, इसलिए 11 खिलाड़ियों के टीम के चयन के कुल तरीके, इसलिए 11 खिलाड़ियों के चयन के कुल तरीके, दोनों को आप इंटू कर दोगे, फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करोगे। 8th क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे पूरा लिखते हुए। 9th देखिए, 9th में आपसे कहा गया है, 9, 9th भी इजी है क्योंकि उसने कहा है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कुल पाठ्यक्रम 9, जिनमें से 5 पाठ्यक्रम चुनने हैं और जिसमें 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। तो शेष पाठ्यक्रम 9 − 2 = 7 से 5 − 2 = 3 पाठ्यक्रम आपने चुनने हैं। चुनने के तरीके, सबसे पहले क्या लिखोगे? कुल पाठ्यक्रम बराबर 9, जिनमें से 5 पाठ्यक्रम चुनने हैं और जिनमें 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य है। 9 है तो 2 अनिवार्य हैं, तो उनको हटा दीजिए, कितने हो गए? 7। हमने चुनने कितने थे? 5, उसमें से 2 अनिवार्य, उनको हटा दीजिए, 3। तो हमने क्या हो जाएगा, हमें कितने 7 में से कितने चुनने होंगे? 3, तो 7C3। तो इसलिए शेष पाठ्यक्रम 7 से 5 − 2 = 3 पाठ्यक्रम चुनने के तरीके बराबर 7C3, इसका आंसर आप निकालें। तो इस एक्सरसाइज को आज आप सॉल्व करोगे, जहां पर क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में आप मुझसे पूछ लेंगे।